नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया था, शादी शादी पूरी तरीके से टूट गई थी, डिवोर्स हो गया था, 3 दिन बाद में मैनिफेस्ट हो गया। अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। अगर आप भी लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना, तो इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। कमाल की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जब सक्सेस स्टोरी भेजी, तो इन्होंने कम से कम मुझे 4 से 5 बार ये रिक्वेस्ट किया कि मैं इनका नाम नहीं शेयर करूं। तो इस वजह से मैं इनका नाम बिल्कुल कतई किसी कीमत पर शेयर नहीं करने वाली हूं। इन्होंने लिखा है, प्लीज 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 मेरा नाम नहीं शेयर करना, लेकिन मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा डिवोर्स हो गया था और 3 दिन के बाद ही मुझे लव वाइब्रेशन का रिजल्ट मिला है। प्लीज दीदी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरा नाम शेयर नहीं करना। मेरा नाम शेयर करोगे तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सक्सेस स्टोरी में मेरा नाम शेयर किया जाए। मेरा डिवोर्स हो गया था और मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फैमिली में इतने ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए थे कि एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे थे, और फैमिली दोनों की ही पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गई थी। स्पेशली मेरे इन-लॉज तो मेरे बहुत ही अगेंस्ट थे और हम दोनों की शादी के अगेंस्ट थे। रिश्ता एकदम खराब हो गया था, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे, और उन्हीं लोगों के कहने पर मैंने अपने पेरेंट्स के और उन्होंने अपने पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर डिवोर्स को लेकर के इतना ज़्यादा था कि हद पार हो गई थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डिवोर्स केस के बीच से ही मैंने लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू करी थी, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी क्योंकि घर का माहौल बहुत नेगेटिव था। फिर मैंने लव वाइब्रेशन भेजना छोड़ ही दिया। मैंने कभी भी लव वाइब्रेशन अपने हस्बैंड को नहीं भेजी, और उसके 1.5 साल के बाद में हम दोनों का डिवोर्स हो गया, जो कि 2 महीने के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि अब हम दोनों पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, क्योंकि हम सच में मेंटली अलग नहीं थे। लेकिन जब पेपर वगैरह पहुंचे घर पर और पता चल गया कि हाँ चलो अब हम दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि मुझे इतना रोना आ रहा है कि हम दोनों अलग हो गए हैं सिर्फ फैमिलीज़ की वजह से, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था। हम दोनों फिर भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते ही एक दूसरे से अब बात करना म्यूचुअली बंद कर चुके थे। हम दोनों ने सोचा कि इस तरह से तो कुछ हो नहीं पाएगा और हम दोनों एक दूसरे को बस परेशान ही करते रहेंगे। बस फिर क्या था, हमने एक दूसरे को खुद ही बोल दिया कि अब एक दूसरे को कभी कोई मैसेज नहीं करेंगे। और मुझे 6 महीने लग गए उस टॉपिक में से बाहर आने के लिए। मैंने इस बीच अपने हस्बैंड को कभी कोई मैसेज नहीं किया और उनका भी वहाँ से कभी कोई मैसेज नहीं आया। हाँ, कभी कभार वो मेरा स्टेटस देख लेते थे तो लाइक वगैरह सेंड कर देते थे, लेकिन ऐसे लिख करके कभी भी उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया था। मैंने उसी दिन सोचा कि चलो मुझे लव वाइब्रेशन भेज करके कर्मा हीलिंग करनी चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी बच सकती है, जुड़ सकती है। अब बचने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स को भी टाइम निकल गया था। मैंने सिर्फ 3 दिन ही लव वाइब्रेशन भेजी, 4th दिन ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं रह पा रहे हैं और वो अपने घर में अब शादी के लिए लड़ रहे हैं, किसी और से नहीं मेरे से ही। और वो जो रिश्ता टूटा है उसके लिए भी उनके घर में रात दिन बहस होती रही है। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अचानक से ख्याल आया, 3 दिन से मैं लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, दिन में तो मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आता और मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि हम दोबारा कभी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये होना नॉर्मल नहीं है, पर ये हुआ। मेरे केस में ये हुआ। 4th ही दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और मुझसे ढेर सारी बातें की, अपने दिल का सारा हाल बताया और ये बताया कि वो पिछले 6 महीने कैसे रहे हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं और घर में 6 महीने से ही लगातार हम दोनों के रिश्ते टूटने पर लड़ाई हो रही है। अब हम दोनों एक हो गए हैं और मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपको लिख रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सॉरी दीदी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज़ मेरा नाम आप सक्सेस स्टोरी में नहीं लोगे, ये प्रॉमिस करो, और मैं
नहीं चाहती कि मेरे लिए किसी भी तरीके की दिक्कत आए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से लव वाइब्रेशन ने मेरे रिश्ते को बचा लिया। और टूटा हुआ रिश्ता, डिवोर्स हुई शादी, वापस से रिश्ते में बंध गई, ये सचमुच में एक अजूबा ही है और कुछ नहीं है। लव वाइब्रेशन ने मेरे लिए सिर्फ 3 दिन में ही बहुत अच्छे से काम कर दिया। प्लीज़ दीदी मेरा नाम शेयर नहीं करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा मैंने कहा था ना, उन्होंने बहुत बार लिखा है कि मेरा नाम शेयर नहीं करना। ठीक है, लव वाइब्रेशन बहुत अच्छे से काम करती है, इनके मामले में इतनी जल्दी क्यों काम कर गई? इन्होंने रिश्ते को ठीक करने के लिए या चीज़ें करने के लिए कि भाई मेरी शादी बच जाए, ये चीज़ हो जाए, वापस डिवोर्स केस ख़त्म हो जाए, इस चीज़ के लिए इन्होंने लव वाइब्रेशन नहीं भेजी थी। कर्मा हीलिंग एक इंटेंशन सेट की थी कि भैया ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं उस एनर्जी के साथ में कार्मिक क्लिनजिंग कर लेती हूँ, हीलिंग कर लेती हूँ और ख़ुद को उस चीज़ से दूर करती हूँ। सिर्फ 3 ही दिन बीते थे और 4th दिन ही इनके हस्बैंड से बात हो गई, और जो 6 महीने इनके सेपरेशन का पीरियड चला है, इन्होंने जो 2 महीने का टाइम लिखा है वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इनको मैंने मेल भी किया था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, तो मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद पेपर वर्क के बाद, उसके पहले तक इन दोनों का जो माइंड था ना वो ले नहीं पा रहा था कि डिवोर्स हुआ है। 2 महीने के बाद जब पेपर वगैरह पर बात हुई या घर पर पेपर पहुंचा, वही वहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 2 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ था, तो मे बी वो पेपर वर्क का ही कुछ था। उसके बाद उनको क्लियर हुआ कि हाँ अभी हम दोनों दूर हो गए हैं, उसके बाद इन दोनों ने बातचीत बंद की, 6 महीने का सेपरेशन पीरियड चला। बातचीत में भी बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी थी जो कि ये दोनों पहले कर रहे थे, एंड उसके बाद ये लव वाइब्रेशन भेजते हैं और इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखते हुए ये लव वाइब्रेशन भेजते हैं और फाइनली इनके पास में बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। लव वाइब्रेशन वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं यार, मज़ा ही आ जाता है सुनकर के, जब कोई रिश्ता टूट करके, वो भी शादी, क्योंकि यहाँ पर अब इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा होता है ना फैमिलीज का कि ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक शादी टूटने की, वापस से जुड़ने की सक्सेस स्टोरीज मेरे पास में पहले भी आ चुकी है, मैंने बहुत पहले शेयर की थी, अब मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यस, शादी टूट करके वापस जुड़ने की एक बहुत सुंदर सक्सेस स्टोरी पहले भी आई थी। शादियाँ टूट करके भी जुड़ती हैं, अगर हम अपने माइंड को क्लियर रखें, हम ये समझें कि हम उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, कर्मा क्लिनजिंग कर लेते हैं, कर्मा को हील कर लेते हैं और चीज़ों को वापस से शुरू करते हैं, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइफ है, आप कभी से किसी भी मोड़ से, किसी भी जगह से, किसी भी पल से, जब चाहे तब वहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, बस उसमें स्टक मत होइए। इन्होंने जैसे आज़ाद किया ना खुद को मेंटली, उसके बाद में इन्होंने जल्दी से मैनिफेस्ट भी कर लिया। अपना ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।